अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मिंग एंड ट्रैवलिंग के नए एपिसोड के साथ हम आज का सफ़र करेंगे कलर कहार से लेकर चुआ सदन शाह तक, और रास्ते में जो जो खूबसूरत चीज़ें आएंगी वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत इलाका है। ये देखें यहाँ से कलर कहार 8 किलोमीटर है, और चुआ सदन शाह तकरीबन 22 किलोमीटर है। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। पिछली साइड पर देखें दूर दूर पहाड़ हैं और आगे मैदानी इलाका है। मैदानी इलाके में गंदम काश्त की गई है। ये दरमियान में रोड है। ये इस साइड आपको मैं दिखाऊंगा, ये डीजी सीमेंट का प्लांट है, पैदावारी प्लांट है, प्रोडक्शन प्लांट। ये कलर कार और चुआ सदन शाह के दरमियान एक जगह है खैरपुर, वहाँ पर वाक़िया है इस प्लांट। यहाँ पर लगाने की ख़ास बात यह है कि ये पिछली साइड यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी इलाका है, या ऐसा मतलब कि पथरीला इलाका कहा जा सकता है उसको, जो कि पत्थर इसके सीमेंट के रॉ मटेरियल में इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट लगा है। ये देखिए इधर भी कितना खूबसूरत लैंडस्केप है। ये देखिए सड़क के दोनों तरफ लैंडस्केप है। सफेदे का दरख्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है रोड के तरफ। ये देखें यहाँ पर मकामी लोग और उनके जानवर। इस इलाके में सर्दी ज़्यादा पाई जाती है, इस वजह से यहाँ पर भेड़ों का काम ज़्यादा है, क्योंकि इन पर बाल ज़्यादा होते हैं। लेकिन उन्होंने चारे के लिए स्पेशल इनके पुर्लियाँ किस किस्म की बनाई हुई हैं, और इनका दूध भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेस्ट वे सीमेंट फैक्ट्री के सामने।
ये सीमेंट फैक्ट्री भी इसी रोड पर जो सैदन शाह तलकार रोड पर वाक़िया है। ये देखें एकदम एक तरफ पहाड़ी है, ये दूसरी तरफ कटास राज टेंपल, हिंदुओं की तारीखी इबादत का 5000 साल पहले जो कि जिसको बनाया गया था। ये देखें पहाड़ी से उतरते हैं जो शुरू में बहुत खूबसूरत इलाका है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चोहर सैदन शाह शहर में। ये देखें एक साइड बाजार है, दूसरी साइड ऊपर पहाड़ है, दरमियान में सीवरेज का सिस्टम है। यहाँ पर आज का हमारा सफर खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।